नमस्कार, YouTube चैनल मैथ सहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जो सेट्स है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आज वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो में मैं आपको सेट्स के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म पे प्रकाश डालूँगा, उसको समझाऊँगा। देखिएगा, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है, उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या हिंदी में कहें तो सारणी रूप। और दूसरा होता है रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये हिंदी में कहते हैं इसको नियम रूप। कोई नियम बना के, कोई रूल बना के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपके जो बुक का एग्जांपल 3 है उसको लेना चाहूँगा। वो एग्जांपल 3 आपका जो बुक का है उसमें एक सेट ए दे रखा आपको और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25 up to infinite। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करें। तो इसका जो तरीका है वो आपको ध्यान से समझना है इसको, ताकि आपको कभी तकलीफ़ नहीं आए। सबसे पहले आपको ध्यान से वाच करना है कि ये जो एलिमेंट्स है वो किस प्रकार के, उसकी सीक्वेंस क्या है। आप देखेंगे ध्यान से, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती चली जा रही है और सब नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर, 1 2 का, 4 3 का, 9 4 का, 16 5 का, 25 एंड सो ऑन। हम क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं, फिर एक एलिमेंट एक्स नाम दे देते हैं एक्स, फिर आगे 2 बिंदी लगाते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं जहाँ पर की या वेयर। अभी एक्स क्या है, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आपने क्या किया कि एक्स को लिख दिया एन स्क्वायर। अब एन क्या है, कैसा नंबर है, उसको बताना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बस इतना करने से आपका ये काम पूरा हो गया और कुछ नहीं करना आपको। यानी आपने एक नंबर का स्क्वायर किया और वो नंबर आपने नेचुरल नंबर के सेट से लिया है, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 2 3 4 5 ही होता है, और इनके स्क्वायर करेंगे तो ये 1 4 9 16 25 ही आएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है लिखने का जो आपकी किताब में दिया गया है, एक्स वेयर एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी सही है, वेयर एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की स्क्वायर। लेकिन मैं इसको ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा ठीक रहेगा ये। अच्छा, कोई ज़रूरी है यही हो, क्या और नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, देखिए आप। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बेस्ट है, ये वाला तरीका, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट सेट इन रूल फॉर्म। और तरीके ये है, देखिए हमने लिख दिया एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में वो 0 भी आता है, पर इसमें 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 के स्क्वायर 0 होता है या 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एन इज ग्रेटर देन 0। बस ये काम हो गया आपका, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है। एन इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा जो होल नंबर शुरुआत होती है वन से होती है, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर आते हैं। अच्छा, और तरीका भी इसका करने का, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को आई भी लिखते हैं, जेड भी लिखते हैं। मैंने आई लिख दिया, मैं इसको जेड भी कह सकता हूँ, कैपिटल जेड भी कह सकता हूँ, यहाँ भी कह सकता हूँ एन इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ही होते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और है मेरे पास में, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एन इज लेस देन 0। ये भी सही है, क्योंकि 0 से जो छोटे इंटीजर्स होते हैं वो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन होते हैं अप टू -infinity, और उनके जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 16 25 ही आएंगे। तो सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा होगा कि एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये था आपका एग्जांपल नंबर
3। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 जो है वो क्या है। एग्जांपल नंबर 4 जो है ये सभी सेट ए ही है, ध्यान रखना। अलग अलग फॉर्म लिखे मैंने एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसमें आपको एक सेट दे रखा है 1/2, जिसके एलिमेंट्स है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये है। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको बहुत ध्यान से बात करना है इसकी सीक्वेंस के बारे में। आप ध्यान से देखेंगे तो पता पड़ेगा कि ये सारे फ्रैक्शंस हैं, ये सारे भिन्न राशियाँ हैं, जिसमें होता अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो इसका है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। एक में एक जोड़ा 2 आ गया, 2 में एक जोड़ा 3 आ गया, 6 में एक जोड़ा 7 आ गया। 6 से आगे जाना नहीं है, शुरुआत 1 से करनी है, यानी कि 1 से 6 तक नेचुरल नंबर हमने ले लेने हैं और नीचे उससे एक बड़ा देना है। बस बड़ा आसान सा हो गया। कैसे लिखेंगे इसको? एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। ध्यान से देखें, ऊपर जो नंबर है ना उससे निचला नंबर एक ज़्यादा है, तो एन अपॉन एन प्लस 1, न्यूमरेटर एन, डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा एन प्लस 1। अब ये एन क्या है? एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन क्या ऐसा कहने से काम हो गया? नहीं हुआ। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 7 भी होता है, और यहाँ 7 देखेंगे तो 7/8 हो जाएगा, और ये इसमें है नहीं। यहाँ पे यहाँ आपको 6 पे रुक जाना है। अब आपको ये बताना पड़ेगा ये जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है। वैसे कहाँ से कहने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल नंबर शुरुआत 1 से होती है, कहाँ तक है कहना ज़रूरी है। तो ये लिखेंगे एन इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब ये सही है। जो नेचुरल नंबर आपने लिया है वो 6 या 6 से कम लिया है। अब जब 6 या 6 से कम लेंगे तो 6 तो उसमें आ जाएगा, और उससे कम में क्या आएगा? 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। इसको एक तरीका और भी था कहने का, वो भी हम कर सकते थे। एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। अब यहाँ एन को आप नेचुरल नंबर मत कहो, आप कह दो जो एन है वो एक संख्या है जो एक या एक से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। लेकिन वो संख्या तो अपन कहेंगे वो इंटीजर होना चाहिए ना, यूँ तो अपन कुछ भी कह सकते हैं कि 1.2 भी हो सकती है। यहाँ ये कहना पड़ेगा आपको इस प्रकार से, आप कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर भी कह सकते हैं इसको आप, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आपने होल नंबर कह दिया ना, तो ये पक्का हो गया कि होल नंबर में तो भाई 0 भी आता है और ये 0 से बड़े हैं सारे। तो आप कहेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 6 बट ग्रेटर देन 0। चूँकि आपने इस बार नेचुरल नंबर नहीं लिखा है, आपने होल नंबर लिखा है, और होल नंबर में 0 आता है, इसलिए आपने इसको लिख दिया 0 से बड़ा है। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। तरीके इसके और भी हो सकते हैं, देखिएगा क्या तरीका हो सकता है इसका। एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 एंड एन। अब देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन 7। ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा था लेस देन और इक्वल टू 6, क्यों यहाँ देखिए 6 आ रहा ऊपर। अगर मैं 6 तक भी लेता हूँ तो ये 6 है, तो 6 नीचे और नीचे 6 ऊपर और नीचे आ जाएगा 6+1 7। और यहाँ मैं कह रहा हूँ आपसे कि n जो है वो 7 से कम है, और नेचुरल नंबर जो 7 से कम होता है सबसे बड़ा वो 6 ही होता है। यानी ये भी ये कह रहा है कि आपको 6 तक ही लेना है। यानी इतने तरीके आपको मैंने बता दिए। अब आप इसमें से जो तरीका अच्छा समझें वो लगाएं, सारे सही हैं, इसमें गलत एक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो निसंदेह डेफिनेटली मैं कहूँगा ये तरीका सबसे अच्छा है, ये वाला तरीका कि x इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1
एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स। याद देखिए वन लिखना ज़रूरी नहीं है, नेचुरल नंबर अगर आप लिखते हैं वन या वन से बड़ा तो ज़रूरी नहीं है, लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब आपने नेचुरल नंबर का सेट यहाँ कह दिया है तो एक से शुरू होगा ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो शुरुआत ही एक से होती है, बस छः या छः से कम, बस ये हो जाएगा इसके अंदर। नाउ आपकी जो बुक के क्वेश्चन है अब हम उस पर ध्यान देंगे। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर का जो पहला पार्ट है वो है 3, 6, 9, 12। ये आपकी बुक का पहला पार्ट है। इसको कैसे करें अपन रूल फॉर्म के अंदर, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तीन की जो टेबल होती है, तीन का जो पहाड़ा बोला है, 3 * 3, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9, 3 * 4 = 12, बस 4 तक रुक जाना है। यानी कि 1, 2, 3, 4 करके इसका 3 टाइम्स करना है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 3n। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4, बस इट इज़ द बेस्ट। आपने नेचुरल नंबर जो लिया है 4 या 4 से छोटा, अब 4 से छोटा तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा, 3, 2, 1 तक ही जाएगा ना, 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं हो, इसमें अपना भी आ गया। तो 4 या 4 से छोटा नेचुरल नंबर लेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएगा, और जैसे ही एन को लिखेंगे 1, 2, 3 वो स्मॉल एन को, तो ये 3 इसे मल्टीप्लाई होके 3, 6, 9, 12 बन जाएगा। ये बेस्ट तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिएगा आपके इसमें अगला जो पार्ट है वो है 2, 4, 8, 16, 32 इसको हमें शो करना है रूल फॉर्म में। कैसे करें, आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 की पावर है, अगर 2 raised to 1 करें तो 2 होगा, 2 raised to 2 करें तो 4 होगा, 2 raised to 3 करें तो 8 होगा, 2 raised to 4 करें तो 16 होगा, और 2 raised to 5 करें तो 32 होगा। यानी हमने 2 की पावर क्या की है, 1, 2, 3, 4, 5 जो कि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 raised to n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5, बस अभी हो गया। नेचुरल नंबर जो आपको 5 तक लेना है या 5 से छोटा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे ही 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। ये पार्ट 3 जो आपको कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई कहता है कि 5, 25, 125 and 625। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए ये 2, 4, 8, 16, 32 --++ होता, यानी इन्फिनेट, तो हम यहाँ एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देते, इसका आगे नहीं करते। लेकिन चूंकि यहाँ 32 पे क्लोज हो गया, मैटर बंद हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया गाड़ी यहाँ पे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें गाड़ी कहाँ रुकी है, 625 पर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 की पावर है, जैसे वो 2 की पावर थी ना, वैसे 5 की पावर है। 5 का पावर 1 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो क्या लिखेंगे इसको, x वेयर x इज इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 5, बस। क्योंकि 5 तक ले सकते हो आप, 5 से छोटा भी ले सकते हो, 4, 3, 2, 1, 5 लोगे तो 5 की पावर 5 बन, सॉरी इसको 5 नहीं करना है, 4 ही करना पड़ेगा। ये 5 की पावर, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 होती है, तो इसको मैं ज़रा सा मिटा देता हूँ, जल्दी में गलती हो गई हमसे।
ये देखो मिला देते हैं, ये मिल गया, इसको थोड़ा सूखने दो। अब देखिएगा मैंने यहाँ अगर n को 1 लिया होता तो 5 की पावर 1 यानी कि 5, n को 2 लिया होता तो 5 की पावर 2 यानी कि 25, n को 3 लिया होता तो 5 की पावर 3 125, और n को 4 लिया होता तो 5 की पावर 4 यानी कि 625। देखिए मैंने यहाँ लेस देन और इक्वल टू किया है, ये सूखे तब तक ये काम और कर सकते हैं। एक तरीका इसका और भी है, x वेयर x इज इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5, यहाँ सही है, यहाँ 5 लिखा हुआ सही हो गया, क्योंकि मैंने कहा है n 5 से छोटा है और 5 से छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 4 होता है, 4 तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था हमने ये लेस देन के साथ में इक्वल लगाया हुआ है, तो यहाँ तो आपको 4 ही करना पड़ेगा, यहाँ 5 नहीं कर सकते। अच्छा हो गया, ये गलती हुई हमसे, उस गलती का सुधार किया और साथ में नई बात सीख ली, इसमें बुरा क्या है, तो वेरी गुड। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिएगा अब तक हमने इसके 3 पार्ट किए ना, अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है इसका, चौथा पार्ट है 2, 4, 6 up to infinite। अब ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, 2, 4, 6 up to infinite, तो यहाँ इसको लिखने के कई तरीके हैं। देखिएगा पहला x where x is n इवन नेचुरल नंबर, बस इतना काफ़ी। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो x, जहाँ की x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, इसको कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, x वेयर x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ n को तय नहीं करना कि कितना तक जाएंगे, या इन्फाइनाइट है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इन्फाइनाइट, बस हो गया अपना काम। आप लेंगे n को नेचुरल नंबर से लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे। जैसे मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करूँगा 2 को, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 आएगा, इसमें 8 भी आएगा, इसमें 16 भी, 10 भी आएगा, 2 5 2 6 12 भी आएगा, इस तरह से हो गया। ये हो गया चौथा पार्ट। नौ पाँचवा पार्ट, पाँचवा पार्ट इसका जो है ये है 1, 4, 9, तो इसमें 100 पे आके रोक दिया है, इस पर 100 पे ला के रोक दिया है। यहाँ आप रेस्टेंट है, यहाँ पे सीमा लगा दी आपके पास, इससे आगे नहीं जाना, आपको बाउंड्री वॉल बना दिया आपके लिए। कैसे लिखे इसको, ये है क्या वैसे, ये स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 up to 10 का स्क्वायर 100, तो लिखेंगे x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10, बस हो गया। नेचुरल नंबर आपने 10 या 10 से छोटा लिया है, यानी आपने 1 से लेकर 10 तक लिया है, 10 या 10 छोटा, 10 और लेस देन 10 है ना, तो 10 ले सकते हैं। और भी तरीका इसका है, x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11, ये भी हो सकता है। अगर आप 11 से छोटा लेंगे नेचुरल नंबर तो मैक्सिमम 10 तक ही आएगा, और भी हो सकता है इसका। देखिए आप x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो हम लिखेंगे जो n है वो 10 या 10 से तो छोटा है पर 0 से बड़ा है, ये भी कह सकते हैं। या फिर इसको ऐसे और भी कह सकते हैं, x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड n इज लेस देन 11 एंड ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं आएगा 0 के साथ में, ध्यान रखना 0 आता है होल नंबर में, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 0 के स्क्वायर 0 नहीं है। यहाँ जब मैंने लिखा ना होल नंबर तो 0 से बड़ा लिया, यानी कि 1,
और 10 या 10 से कम। यहाँ मैंने 0 से बड़ा लिया या और 11 से छोटा लिया, 0 से बड़ा 1, 11 से छोटा 10, तो 1 से 10, सभी बातें एक है। पर मैं सोचता हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है, इट इज़ द बेस्ट वे, ये पहला जो तरीका है। तो इस तरह से मैंने आपको आज किसी भी सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है या सारणीबद्ध रूप में लिखा हुआ है, उसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको खूब सारा लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको ही भेजिए। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। कहीं कोचिंग में, कहीं ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपका ये चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूँ, चैप्टर 1 चल रहा है अभी वीडियो में सेट्स का। पर बाय द वे अगर आप चैप्टर 5, 6, 7 कुछ भी घर पे पढ़ रहे हों और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उस क्वेश्चन उस चैप्टर में, आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9521663064, इस पर मुझे मैसेज करना, फ़ोन मत करना भाई, मैसेज कर देना। जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी बुक की, वो मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको भेज दूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इट इज़ माय जेंटलमैन प्रॉमिस। ओके, देन सी यू अगेन। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।